हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। होप सो आप सब बेटर होंगे। वादे के अनुसार मैं रीना आपको आज फैदर कट बताने वाली थी, तो आइए वीडियो स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फैदर कट जिनके बाल मीडियम हैं, जिनके बालों की लेंथ कम है, अगर वो भी चाहें तो उनके बालों में काफ़ी अच्छे तरीके से फैदर कट हो सकती हैं। तो आजकल लोगों की यही रिक्वायरमेंट रहती है कि मैं मैम मुझे मीडियम मेरे बालों की लेंथ है और मैं उसमें अपने बालों को फैदर लुक कैसे दूं। तो मैं आज आपको बताती हूं कि मीडियम जिनके बालों की लेंथ रहती है, उनके बालों में फैदर कट कैसे करें। सबसे पहले बालों को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसके बाद ईयर टू ईयर के बालों को फ्रंट सामने करेंगे और ईयर टू ईयर बैक हेयर को पीछे रखेंगे, जिससे कि हमें कटिंग करने में सुविधा होगी। आप चाहो तो इसे सेक्शन क्लिप भी लगा के कटिंग कर सकते हो, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं बिना क्लिप के ही कर रही हूँ। आप ध्यान से देखने की कोशिश करना, आप भी कर सकते हो। सबसे पहले बैक से हम 2 इंचेस या क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग लेंथ कम करेंगे और ये हमारा बेस हो गया और उसके अकॉर्डिंग ही हम कटिंग करते हुए ऊपर जाएंगे, जिससे हमारे बालों की वॉल्यूम मिलेगी। इसी तरह पूरे इस साइड के बालों को करीब 2 इंचेस थिकनेस पे हम बालों को इस प्रकार से लेंगे कि आप नीचे से कटिंग करते हुए ऊपर की तरफ आओगे, जिससे बालों में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आती है। मेरी क्लाइंट्स को लेंथ कम नहीं करनी थी, दरअसल ये मेरी रियल की क्लाइंट्स है, तो इसलिए मैंने आपको इस पे भी बता रही हूँ कि उनको कटिंग आप चाहो तो अपनी लेंथ ही कम या वैसी कर सकते हो। इस तरह से करते हुए आप साइड के पूरे बालों को अच्छी तरह से लेयर दोगे। उसके बाद आप धीरे धीरे से ये करने की कोशिश करो, बहुत ही आसानी से ये कटिंग आपसे हो जाएगी। अब हमारी ये कटिंग एक साइड की हो गई। अब मैं इसे हाफ़, जितनी मैंने कटिंग की है एक साथ अपने आप पूरे बालों को इकट्ठा कर लो। अगर बालों की डेंसिटी ज़्यादा है, आपके हाथों में नहीं आ रही, तो आप 2 टाइम करके ले सकते हो। मेरी क्लाइंट्स की बाल थीन थी, मैंने इसे कर लिया है। आप चाहो तो 2 टाइम या 1 टाइम भी कर सकते हो। उसके बाद कुछ आपकी कमी ना रह गई हो, आप इसको फिनिशिंग टच दोगे, जिससे आपकी कोई बाल जो रह गई हो वो काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगी। सेम इसी तरह हम सेकंड पार्ट में करेंगे। अब ये हम क्या करते हैं, बालों में बहुत ही अच्छी लेयर्स आने के लिए और बालों की वॉल्यूम, जिनके बाल थिन है, वॉल्यूम दिखने के लिए हम क्राउन एरिया के कुछ बालों को इस तरह से लेंगे और उसके बाद इसमें नोजिंग देंगे। आप चाहो तो ये कर भी सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करने से बालों में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आती है। अब हम फ्रंट से बालों की लेंथ को कट करेंगे, नोज या चिन तक। आप चाहो तो इसकी लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हो, क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग। मेरी क्लाइंट्स को छोटी नहीं करनी थी, तो इसलिए मैंने इनके बालों की कटिंग छोटी नहीं की है। और इसी तरह कटिंग करते हुए हम सामने के बालों में भी लेयर्स देंगे और वही हमारा बेस होते हुए मैं ऑल ओवर पूरे, आप अपने पीछे बैक होते हुए आप पूरे ही बालों को लेयर्स देते जाओगे। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप पूरे बालों में लेयर्स दोगे और सेम इसी तरह आप सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही करते जाओगे। आप ध्यान से देखो, आप इसी तरह। और हाँ फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखना कि लेयर्स कट या फैदर कट में आप कट की क्वांटिटी आप कम रखना, क्योंकि बहुत ही जल्दी इसमें हेयर शॉर्ट होते हैं। आप थोड़े थोड़े ही बाल को कट करना। इस तरह से हम दोनों तरफ से अपने बालों को लेयर्स देते जाएंगे। अब हमारी कटिंग और इस ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। आप इसे ध्यान से देखो और ये हमारी कटिंग पूरी हो गई है।
अब हमारी कटिंग ये, आप चाहो तो इसे पीछे से भी अपने बालों को लेंथ कुछ कम कर सकते हो। मेरी क्लाइंट्स को वी शेप नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने नीचे से करीबन 2-3 इंचेस कट कर दी है। अगर आप चाहो तो इसको और भी थोड़ी सी कटिंग करके आप यू वी कट दे सकते हो, लेकिन ये लुक वी कट में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए आप इसको और भी ऐसी रहने दें जिससे कि बालों की लेंथ भी दिखती है और बाल अच्छे लगते हैं। और उसके बाद आप इसे ब्लो ड्रायर करो। और ये मेरे लास्ट लुक है, आप इसे बताओ ये हमारी कैसी लग रही है लुक। और क्लाइंट्स को तो बहुत ही पसंद आया फ्रेंड, आप इसे भी ट्राई करके देखना। ये मीडियम हेयर में फैदर कट है और इसे आप चाहो तो लेंथ इसकी आप इसे खुले भी रख सकते हो और एक क्लचर के भी साथ इसे अपने बालों को टक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो बाय, प्लीज़ टेक केयर। We'll be right back.